एक तरफ जहां और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। देखिए इस वक्त हम कर्पूरी सभागार के ठीक आगे खड़े हैं और इसी सभागार में अभी अभी नीतीश कुमार आए हैं और साथ में ललन सिंह भी आए हैं और जदयू के तमाम बड़े नेता आए हैं। और इस सभागार में आज क्योंकि राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, इसी को लेकर आज नीतीश कुमार अपने सभी अधिकारियों, सभी नेता के साथ, सभी कार्यकर्ता के साथ कर्पूरी सभागार में अभी से ठीक 5 मिनट पहले अंदर गए हैं। और हम अपने विजुअल्स में अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि दिखाएं कि किस तरीके से कर्पूरी सभागार में जो कार्यक्रम चल रहा है और हमने वो उसको लेकर अभी नीतीश कुमार उनके साथ जितने भी उनके वरिष्ठ नेता ललन सिंह, तमाम बड़े नेता जदयू के सब पहुंचे हैं और उनकी निगाहें आने वाली 2024-2025 चुनाव को लेकर भी रहेगा और राष्ट्रीय परिषद की बैठक इसमें, तो ऐसे में अब कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है इसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। और जो चुनाव उपचुनाव हुआ, विधानसभा उपचुनाव कुडनी में, उसका जो परिणाम आया जो बीजेपी के हित में गया और जदयू को हार मिला, इसको लेकर भी मंथन जरूर होगा और उसकी समीक्षा की जाएगी। ऐसे में जो तमाम जो नेता हैं अभी राष्ट्रीय कर्पूरी सभागार में पहुँच चुके हैं और कार्यक्रम का शुरुआत नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हुआ है। और सिर्फ अब देखना यह है कि आखिर किस तरीके से राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, क्या लोगों की निगाहें ललन सिंह की तरफ रहेगी, ललन सिंह क्या फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं और आने वाले समय में जदयू की राजनीतिक समीकरण कैसी रहेगी, इन सभी चीज़ों पर भी बात की जाएगी, सभी चीज़ों पर समीक्षा की जाएगी और साथ में 2024-2025 की जो चुनाव आने वाले हैं उस पर भी मंथन किया जाए। क्योंकि जदयू एक बहुत बड़ी पार्टी है और ऐसे में जब नीतीश कुमार ये दावा करते हैं कि आने वाले चुनाव में हम जीतेंगे तो इन तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी। जो कुडनी चुनाव में उनको हार मिला इस पर लेकर एक अहम बैठक की गई है और आज राष्ट्रीय परिषद बैठक में जब ललन सिंह का भी साथ में बैठे और साथ में गले मिलते दिख रहे हैं, हमारे विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि ललन सिंह और नीतीश कुमार एक साथ कार्यक्रम में आए और दोनों मिलकर कार्यक्रम का शुरुआत किया और ये सारी चीज़ें, सारी प्रक्रिया आपको हम दिखाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो राष्ट्रीय परिषद में बैठे जो अहम बात होगी ये निकल कर सामने आएगी कि आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनने जा रहा है, क्या ललन सिंह फिर से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं और क्या जदयू का समीकरण रहेगा आने वाले समय में, इन सभी चीज़ों पर मंथन की जाएगी, समीक्षा की जाएगी। कैमरा पर्सन जैकी के साथ मैं अविनाश सिंह, पटना।